नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं जून 13 का खास पाठ। कल्पना कीजिए सिलाई के बिना वस्त्रों का निर्माण। सिलाई मशीन जिसने इतने सारे उद्योगों को जन्म दिया है उसका आविष्कार 13 जून को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 13 जून को राष्ट्रीय सिलाई मशीन दिवस इस आविष्कार का सम्मान करता है। सिलाई मशीन के आविष्कार ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इसने न केवल उद्योगों को बढ़ावा दिया बल्कि हमारे द्वारा पहने जाने वाले परिधानों, घर या अन्य जगह उपयोग में आने वाले सामान को देखने के तरीके को भी बदल दिया है। वैसे तो एलियास होवे को 1846 में पहली व्यावहारिक सिलाई मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, परंतु पहली व्यावसायिक रूप से सफल सिलाई मशीन 1851 में इसहाक सिंगर द्वारा पेटेंट कराई गई थी। सिंगर की सिलाई मशीनें उनके स्थायित्व, विश्वसनीयता और नवीन विशेषताओं के लिए जानी जाती थी। सिलाई मशीनों के आविष्कार से पहले सिलाई मुख्य रूप से हाथ से की जाती थी, जो एक समय लेने वाली और श्रम वाली प्रक्रिया थी। सिलाई मशीनों के आने के बाद कपड़ा उद्योग में उत्पादकता और दक्षता में बहुत वृद्धि हुई है। आधुनिक सिलाई मशीनें यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत मशीनों सहित विभिन्न प्रकारों में आती हैं। वे सिलाई की एक विस्तृत श्रृंखला, स्वचालित कार्यों और सटीक सिलाई के लिए उन्नत सुविधाओं की पेशकश भी करती हैं। समय के साथ सिलाई मशीनें अधिक बहुमुखी हो गई हैं, जिससे उपयोगकर्ता न केवल वस्त्र बल्कि घर की सजावट के सामान, पर्स, जैकेट, लेदर आइटम, रजाई और भी बहुत सी चीजें सिल सकते हैं। सिलाई मशीनों का फैशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिससे डिजाइनरों और सीम स्ट्रेस को अपनी रचनात्मक दृष्टि को जीवंत करने और जटिल डिजाइनों और अलंकरणों का पता लगाने में मदद मिली है। और अंत में क्या आप जानते हैं, 13 जून 1879 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी और अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक गणेश दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व किया था और 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमाग्रह में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए।